أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلكم رائن وكلكم مسؤول عن رعيته रोलमलबारी राम मोहतरम नाद्रीन वसामिन अलकुम वरम् वरकूक़र जिस सीरीज़ में आप तमाम का तहदिल से इस्तबाल हैं पिछले दरूस में हम सिलसिला जो चल रहा था हमारा इिलमी दरूस का स्टूडेंट्स के हकूक़ तलबा और तालबात के हकूक़ की आखिरी कड़ी लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ जिसका मौजू है माशरे पर तलबा के हकूक़ सोसाइटी पर स्टूडेंट्स के हकूक़ तलीम और तरबियत के बेहतर नतज के लिए ज़रूरी है कि माहौल तालीम याफ्तर और पाकिज़ा जिस माहौल में बच्चे पढ़ते हैं जिस माहौल में बच्चे रहते हैं जिस सोसाइटी में वो ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ का माहौल सही होना चाहिए माहौल इल्मी होना चाहिए माहौल अखलाक़ी होना चाहिए वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए वो होना चाहिए जो रब को पसंद है अल्लाह ताला ने कुरान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में जिक्र किया है जन्नती माहौल होना चाहिए इस्लामी माहौल होना चाहिए क्योंकि माहौल माहौल का तालीम पर जो है गहरा असर पड़ता है माहौल जितना अच्छा होगा उसकी तलीम और तरबियत उतनी बेहतर हो सकती है अगर माहौल तालीम के लिए साजगार पाकिज़ा साफ सुथरा हो तो बच्चे जो है नेक बनते हैं महजब बनते हैं अब बाखलाक बनते हैं और ज़ेवर तारीम से जो है आरास्ता होते हैं वरना इस हों मुरबीआन हो माम हों हो, और घर वाले हों माशरे वाले हों उनकी कितनी भी कोशिशें हों कितनी भी कोशिशें कर लें वो कोशिशें शर्मिंदे ताबीर होने से रह जाएंगे रुक जाएंगे तरक्की नहीं होगी उस माहौल में रहने वाले तलबा और तलबात की हरगज़ तरक्की नहीं हो सकती ऊँ देखने में आता है हम देखते हैं कि जो सिटी में रहते हैं शहर में रहते हैं वो तलबा व तलबात जिन्हें अच्छा माहौल मैसर होता है वहाँ रहने वाले लोग पाकिज़ा एजुकेटेड होते हैं बाखलाक होते हैं अच्छे कैरेक्टर वाले होते हैं देहात के मुकाबले में जो विलेजेस होते हैं छोटे खरीए होते हैं वहाँ के उन बच्चों पर जो है फोकियत ले जाते हैं सिटी में रहने वाले जिन्हें मुनासिब माहौल नहीं मिल पाता इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के लिए घर का माहौल सही हो माशर सही हो सोसाइटी सही हो खेल कूद का माहौल हो पाकिज़ा हो ताकि बच्चों को खेल का भी मौका मिल सके उसमें भी कुछ बातें सीख लें अच्छे बच्चों के साथ रहकर खेल में भी मुफ़ीद खेल जिससे उनकी जिसमानी सेहत बरकरार रहें अच्छे माहौल और साजगार माहौल की अहमियत और इफादियत को ने जो हैफ़्रीन ने और माहरीन ने जो है कई बातें उसमें लिखी हैं फलसफ़े तालीम और तरबियत एक किताब है फलसफ़े तालीम व तरबियत सफ़ा नंबर नाइन्टी वन नाइनटी टू में उसके जो मौलफ हैं प्रोफेसर अतिया मोहम्मद फरमाते हैं अगर बच्चा ऐसा माहौल और सोसाइटी में परवरिश पाए जहाँ उसकी तरबियत फ़िक्र के पूरे सामान मौजूद उसके रोक को मुकम्मल किया जाए उसका मदरसा अच्छा हो उसका इस्कूल अच्छा हो वहाँ पर बाग और चमन हो, जिसमें खेल कूद के मौक़े हासिल हों उसको खेलने का भी कुछ खेलने का मौका मिले हंसबे उसकी जो उम्र के हिसाब से खास जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं खेल कूद के मौक़े होना चाहिए आगे कहते हैं अच्छे अच्छे लेक्चर्स उम्दा उमदा बातें सुनने को मिलती हों कहते हैं अगर और अगर कहीं उन चीज़ों के साथ ऐसी माँ भी मिले जो बच्चों की तरबियत में माहिर हों उस फ़न से जो है वाकिफ़ हो बच्चों की तरबियत एक फ़न है उसको भी सीखना चाहिए आज हमारी माओ बहनों को ज़रूरत है कि वो इस फ़न को सीखें इस्लाम ने कुरान में अल्लाह ताला ने बेहतरीन बातें बताई प्यारे नबीम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल उसवा है उमातुलमोमिन की ज़िंदगी गरषे के ख़तीजर रदी अल्लाह तक के अलावा किसी को कोई औलाद नहीं थी अल्लाह के नबीसलम से उम्मा को औलाद थी पहले शोहर से अबूसलमा से लेकिन बाकी किसी को औला अल्लाह के नबी सा आसमस नहीं हुई खतीजा के अलावा तो लेकिन फिर भी उमात अमौमिन की ज़िंदगी आइडियल है उमातुलमौमिन के किरदार उनके अखलाक उनकी सीरत हमारे सामने सहावियात की सीरत हमारे सामने वक्त के बड़े बड़े मुहदसिन फ़ाहा डॉक्टर्स इंजीनियर बने आज भी अल्लाह वालियाँ हैं जिस फ़न को अच्छी तरह जानती हैं तो हमें चाहिए कि हमारी माओं बहनों को चाहिए कि उनसे तल्लत को उसवार करें उनसे मिलें उनसे पढ़ें उनके पास ये फ़न को सीखें इसी तरह कहते हैं आगे आप फरमाते हैं कि साफ़ धुले कपड़े पहनाती हो अपने बच्चों को फन में माहिर हों उनको पाक साफ को साफ़ रखें उनके माहौल को पाक को साफ़ रखें पिछले दरस में हमने सुना घर के माहौल को मुरतब मनम तरीके से रखें हर जगह जहाँ जहाँ रखना है उसको रखें ताकि बच्चों का जहन मुरतब हो इसी तरह बाप के तल्ल से आप आगे फरमाते हैं प्रोफेसर अतिया मोहम्मद फरमाते हैं कि बाप उसके मामलाते फहम और ख़िरत के आखिरत में उसकी मदद करता हो उसमें एतमाद नफ्स का जौहर पैदा करने की कोशिश करता हो जो उसे खेलने की इजाज़त भी देता हो और तरबियत से गाफिल ना हो तो कहते हैं बग़ैर किसी शक के बिलाशुबा कहते हैं ऐसा लड़का जहनी तौर से दिमागी एतबार से जिसमानी एतबार से दूसरे लड़कों के मुकाबले में बहुत अच्छा होगा आगे जाएगा कामयाब होगा और आज हम देखते हैं फितरी तौर से कुछ तलबा तलिबात कुछ बच्चे जो है बात जहनी तौर से जिसमानी एतबार से माशा अच्छे होते हैं उन बच्चों के मुकाबले में जो जिनकी ग़ा की कोई फिक्र नहीं करते माँ बाप उनके माशरे के रहने वाले कोई फ़िक्र नहीं करते आज भी हम अपने माशरे में सोसाइटी में देखते हैं कितने ऐसे अफराद लॉकडाउन में हर एक के हालात बास के बिल्कुल सामने आ गए हैं कि कौन कितना ख़ैर ख़वा है कौन हमारा कितना हमदर्द है वो रब का फ़जल है कि रब ने हमें हमें पाल रहा है रोजी की असल ज़िम्मेदारी अल्लाह के हवाले हमारे मामलों का असल ज़िम्मेदार वो है वक्ती तौर से अल्लाह ने चंद लोगों को ज़िम्मेदार बनाया है तो जमीयत हो जमात हो सोसाइटी समाज के जिम्मेदार केिमेदारों घर के माशरे के हों अलहदिल्ला आज भी अल्लाह वाले हैं नेक लोग आज हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आज ज़रूरत इस बात की है ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना हक़ अदा करें माशरे पर तलबा के हकूक़ बनते हैं शुरू में जो हदीस मैंने पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु को मरानों अन रईयति अनराइयी तुम्हें कहा हर एक ज़िम्मेदार है उसको कल उसके ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा सोसाइटी के जो निगरान हो अमीर हो हाकिम हो उसकी जिम्मेदारी है अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें मन आमिन को मन करा फल वीति अल्लाह के नबी सा आसम फरमाए सही मुस्लिम की रिवायत अबू होता हूँ इसके रावी हैं जो तुम में से बुराई को देखें उसको रोक दे अपने हाथ से ताकत पावर अल्लाह नेता किया है जितना ताकत है पावर है उसको रोक के ख़त्म कर दे उस बुराई को माशरे के जो तलबा तालबात हैं उनमें जो भी अखलाकी बुराइयाँ बिगाड़ हम देखें जो भी गलत काम देखें उसको रोकने की कोशिश करें जो भी निगरान हैं अल्लाह ने जिसको निगरान बनाया है हाकििम बनाया है अमीर बनाया है उनकी ज़िम्मेदारी है अगर हाथ से नहीं रोक सकते ज़बान की ताकत अल्लाह ने दी है कह कर समझा कर वादो नसीहत करके हम समझाएँ ये भी नहीं हो सक दिल में उसको बुरा जाने ये हर एक की ज़िम्मेदारी है हर एक की जो ताकत अल्लाह ने दी है पावर दिया उसका इस्तेमाल करें अच्छी बातों को फैलाएं बुराइयों से खुद रुकें दूसरों को रोकने की कोशिश करें रब्बुल रब्लम ला से कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो भी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह नेायद की हैं खा माशरे पर तलबा के स्टूडेंट्स के जो हकूक़ हैं उसको समझने की अल्लाह तोफ़ीदा फ़रमाएँ हर मुमकिन कोशिश करने अच्छे काम को फैलाने बुराों से दूसरों को रोकने की खुद बचने की अला सदत नसीे फ़रएँ इस सिलसिले में जो भी कोताही सस्ती हो रही अल्लाह दरगुजर का मामला फरमाएँ